तेरे नाम से जी लूं, तेरे नाम से मर जाऊं, तेरी जा के सदके में कुछ ऐसा कर जाऊं। तूने क्या कर डाला, मर गई मैं मिट गई मैं, हो जी हाँ जी हो गई मैं तेरी दीवानी, दीवानी तेरी दीवानी, दीवानी। तूने क्या कर डाला, मर गई मैं मिट गई मैं, हो जी हाँ जी। सरे महफिल कभी आकर जो तुम जलवे बिखेरोगे, निगाहों की छुरी दिल पर हमारे दिल पे फेरोगे। और इसी का भरोसा नहीं, क्या बात है? रात रात दिन मुश्किल कोशिशें, जिंदगी कैसे बेहतर बने, कितने दुख जिंदगी के लिए, और इसी का भरोसा नहीं। ओ कल ये मेरे भी आंगन में थी। नमस्कार, पत्रकार चावला शो देख रहे हैं आप, मैं हूँ विकास गोस्वामी, और इस वक्त मेरे साथ जो है हमारे शो पर दो बहुत ही शानदार जानदार चेहरे आप देख रहे हैं। एक हैं नमन उपाध्याय जी और दूसरे हैं अंशुमान शुक्ला जी। दोनों लोग संगीत की दुनिया से ताल्लुकात रखते हैं और पूर्वांचल में एक बहुत ही बेहतर नाम, उभरता हुआ नाम आप कह सकते हैं। इनका पत्रकार चाय वाला शो पे बुलाने का जो मंतव्य है, जो कारण है, उससे रूबरू कराने से पहले मैं चाहता हूं कि संगीत के माध्यम से, गीत के माध्यम से सबसे पहले इनका परिचय हो जाए। तो आप दोनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं चाहता हूं कि पहले तो आप लोग कुछ सुना दें, क्या सुनाएंगे? मैं सबसे पहले तो इनसाइड भारत टीवी के सभी दर्शकों को मैं अंशुमान शुक्ला अंशु हृदय से प्रणाम करता हूं। आप सबका प्यार मुझे निरंतर मिलता रहता है, बाबा गोरख की तपोभूमि से मैं आता हूं, और ये मिट्टी इतनी इसके भीतर की अगर मैं बात करूं तो ये वो ऐसी उपज है कि बताने मेरे जैसे कितने कलाकार। ये वो धरती है जहाँ फिरा गोरखपुरी होते हैं, ये वो धरती है जहाँ पे हम तमाम ऐसे महारथियों को देखते हैं जो आज गोरखपुर से निकल करके मानस पटल पर गोरखपुर का नाम रोशन कर रहे हैं। मुझे भी एक छोटा सा प्रयास करने का अवसर मिला है, और आप तमाम पत्रकार भाइयों के माध्यम से भी जो मुझे अनवरत दिखाते रहते हैं सोशल मीडिया पर, और आज आप सबके मोहब्बत से थोड़ा बहुत मेरा भी कुछ एक प्रयास रहता है, आज सोशल मीडिया पर कुछ चल जाता हूँ। मैं इससे पूर्व की अपनी बहुत बातें रखी जाए जिस उद्देश्य से हम यहाँ बैठे हैं, उससे पहले मैं चार लाइनें आप सबको सुनाता हूँ, सुनेगा। सरे महफिल कभी आकर जो तुम जलवे बिखेरोगे, निगाहों की छुरी दिल पर हमारे दिल पे फेरोगे, न पूछो हाल क्या होगा, न पूछो हाल क्या होगा, लबों पर जान अड़ी होगी, तुम्हें अपनी पड़ी होगी, हमें अपनी पड़ी होगी, अगर तुम बेनकाब आओ, अगर तुम बेनकाब आओ, कयामत की घड़ी होगी। थैंक यू। नमन भैया आप क्या सुनाएंगे? अभी पहले चर्चा हो रही थी, उसी गाने को दोबारा सुनाता हूँ। रात दिन मुश्किल कोशिशें, जिंदगी कैसे बेहतर बने, कितने दुख जिंदगी के लिए, कितने दुख जिंदगी के लिए, और इसी का भरोसा नहीं। क्या बात है? रात रात दिन मुश्किल कोशिशें, जिंदगी कैसे बेहतर बने, कितने दुख जिंदगी के लिए, और इसी का भरोसा नहीं। ओ कल ये मेरे भी आंगन में थी, जिस पे तुझको गुरु राज है। पैसा ये सबके आंगन में होती है, इस पे लोगों को गुरूर भी होता है, उस पे है कि कल ये मेरे भिया गन में थी, जिस पे तुझको गुरु राज है,
कल ये शायद तुझे छोड़ दे छोड़ दे, कल ये शायद तुझे छोड़ दे, इस खुशी का भरोसा नहीं, ओ कल ये शायद तुझे छोड़ दे छोड़ दे, कल ये शायद तुझे छोड़ दे, इस खुशी का भरोसा नहीं, कल ये शायद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब जो है थोड़ी सी बातचीत होगी। दरअसल नमन उपाध्याय जी जो है एक शाम शहीदों के नाम करके एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जिसका जो है ऑडिशन वगैरह शुरू हो चुका है, और उसी परिप्रेक्ष्य में चूँकि 13 अगस्त को यह प्रोग्राम होना है हमारे शहीदों के लिए, हमारे शहीदों की याद में, तो इस प्रोग्राम का क्या रूपरेखा है पहले तो हम ये जानना चाहेंगे आपसे। जैसे कि ये एक जिला स्तरीय प्रतियोगिता हो रही है, जिसमें अपने गोरखपुर के इर्द गिर्द जितने भी ज़िले हैं जहाँ पे प्रतिभाओं को एक उचित मंच नहीं मिलता है, या कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि पैसे के अभाव में या सही निर्णय ना होने के कारण उनको मंच नहीं मिल पाता, उनको मंच देने का काम किया जाएगा। ये जैसे आजमगढ़, बस्ती, देवरिया, कुशीनगर, गोरखपुर, ऐसे ज़िलों में कार्यक्रम कर रहे हैं, और डेट ऑडिशन की तिथि भी लगभग फिक्स हो चुकी है। 23 तारीख को अभी कल ही जो है वो महाराजगंज में हम सभी ऑडिशन के लिए जा रहे हैं, और आगामी 29 जुलाई को गोरखपुर में स्वर द सोल ऑफ म्यूज़िक पर ये ऑडिशन रखा गया है। 30 जुलाई को आजमगढ़ में ऑडिशन रखा गया जीडी ग्लोबल स्कूल में, और अभी दो जिलों का जो है अभी डेट नहीं आया है, लेकिन जल्द ही उसको भी बता दिया जाएगा, जैसे कि आपको सूचित किया जाएगा। बाकी अंशुमान जी आगे जानकारी देंगे। आगे की क्या रूपरेखा है? देखिए, सबसे पहले इसके शीर्षक से हम बात अगर करना शुरू करें, एक शाम शहीदों के नाम, मतलब हम आम तौर पर देखते हैं कि अभी हमारा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव भी मना रहा है, तो हम उसके 76वें वर्ष में भी चल रहे हैं। अब सबसे अच्छी बात ये रही है कि हम एक ऐसे कार्यक्रम को लेकर के आए हैं जिसमें उन नई नई प्रतिभाओं को इस शहर में देखने को मिलेगा, इस गोरखपुर मंडल में से देखने को मिलेगा, जो लोग मंच के अभाव में कहीं ना कहीं दब जाते हैं। क्योंकि मैंने जब अपना शुरू किया, करियर शुरू किया था, जब मैं इस फील्ड से आया था, तो मैंने तमाम सारी समस्याओं को भैया झेली, और मुझे लगता था कि ऐसी क्यों ही कोई प्रतिभा, क्योंकि मैंने देखा है गांव में आज भी वो पेड़ के नीचे, वो कभी ट्यूबवेल के ऊपर बैठ करके, कभी खेतों खरियान मेढ़ों पर बैठ करके जो लड़का गाना गाता है पगड़ी बांध के, कभी सुनेगा ये जो देसी अंदाज के पवन सिंह और खेसारी जो हुए हैं, ये ऐसे लोग जो ऐसे हो रहे हैं, जो ऐसे लोग जो हैं वो निश्चित तौर पर हमें लगता है कि ये प्रतिभा का होना बहुत ज़रूरी है, ऐसे बच्चों को मंच मिलना बहुत ज़रूरी है। ये कार्यक्रम जो एक शाम शहीदों के नाम रखा गया है, थोड़ा सा रुकूंगा आपको, ये हमारे नहीं ये हमारे शो की खूबसूरती है, क्योंकि यह शो हम लोग सड़कों के किनारे कर रहे हैं तो ये चलेगा, ये हमारे शो की खूबसूरती है, तो जो लोग आ जा रहे हैं उनको आने जाने दीजिए। जी, मैं बता रहा था कि ये मतलब किस तरह से जो प्रतिभाएं हैं वो गांव से विचिप्त होती हैं, और कभी से कभी निकल के आती हैं और वहीं तक ख़त्म हो जाती हैं, हम उसे दूर तक मंचों पर नहीं देख पाते हैं। फिर उन्हीं में से अगर कोई लड़का सही मंच पाता है तो कोई जगदीश सिंह बन जाता है, उन्हीं में से कोई लड़का अगर पाएगा तो कोई किशोर कुमार बनता है, उन्हीं में से कोई एक लड़की अगर बहुत प्यारा गए तो लता मंगेशकर बन जाती है। ऐसे बड़े बड़े नाम हमारे इसी भारत की भूमि पर उपज करके आते हैं। एक शाम शहीदों के नाम करने का हमारा सिर्फ उद्देश्य मात्र इतना है कि गोरखपुर मंडल से सटे हुए जितने भी ज़िला हैं उन जनपदों में उन प्रतिभाओं का तलाश करना जो मंच के अभाव में मार खा जाती हैं। हम इस ऑडिशन के सिलसिले में अपने एक निश्चित तारीख तय की गई है, जिसमें से दिनांक 23 जुलाई यानी कि कल आगामी रविवार की मैं बात करूँ अगर, तो 23 जुलाई रविवार को हम अपने इस ऑडिशन को महाराजगंज में सुनिश्चित किए हैं, वहाँ पे होना है। तो महाराजगंज के जो भी दर्शक हैं या इनसाइड भारत टीवी के या जो भी मुझे इस माध्यम से सुन पा रहे हैं वो वहाँ पहुँचें। हमारा अगला कार्यक्रम ठीक जो है आकर के 29 जुलाई को इसी गोरखपुर में होगा, और 29 जुलाई को गोरखपुर में आपको जैसे आप देखेंगे तो आपको भी उसका पोर्टफोलियो के माध्यम से वो भी संदेश मिल जाएगा। स्वर द सोल ऑफ म्यूज़िक करके असुरन चौक पर एक संस्था है जहाँ में इसकी एक इस जगह को स्पॉट किया गया है। 30 तारीख को हम आगामी 30 जुलाई को हम आजमगढ़ में उसका ऑडिशन करने वाले हैं, और बहुत ही जल्द देवरिया, बस्ती और कुशीनगर की डेट को भी हम फाइनल कर देंगे। ये कार्यक्रम एक बच्चों को एक ऐसा अवसर दे रहा है कि जो अपने अंदर की छुपी हुई प्रतिभाएं, जो टैलेंट है, जो हमारे इंडिया के अंदर की, जो हमारी मिट्टी की खूबसूरती है, वो दब जाती है कहीं ना कहीं। तो एक अच्छा अवसर है कि शहीदों को टैलेंट की आपने बात की है, तो मेरे पास दो दो टैलेंट है और मैं चाहता हूँ कि इसका मैं थोड़ा सा फ़ायदा उठा लूँ। क्या सुनाएंगे दोनों लोग मिलकर, क्या सुनाएंगे? मुझे जो आप कह देंगे मैं कहूँगा, मैं शेरो शायरी सुना दूंगा, मैं कोई गीत सुना दूंगा, जो आप कहेंगे सुना दूंगा। जैसा मेरा भाई गाएगा वैसा। अब ये आप दोनों लोग एक दूसरे से ठेल लेंगे। एक काम कीजिए, मैं बता देता हूँ, कुछ भी कैलाश खेर का सुना दीजिए।
सुना दे तू। मैंने अभी कैलाश खेर की बात की तो मैं आपको छोटा सा एक दो छोटा सा नहीं ठीक ठाक सुन लूंगा। ठीक ठाक देखिए शर्त भी कितनी बड़ी है भाई। आप बहुत इनसे बड़े भाई अक्सर कहते रहते हैं, इनकी शिकायत भी मुझसे रहती है कि कभी आ नहीं पाता, तो जब भी आए तो अगर आज आए हैं तो क्यों ना इनके लिए कुछ कर ही दिया जाए। कुछ गा देता हूँ मैं आपके लिए, क्या सुनेंगे आप कैलाश खेर? आप कुछ भी सुना देंगे मुझे बढ़िया लगेगा। मैं आपको तेरी दीवाने सुना देता हूँ। प्रीत की लत मोहे ऐसी लागी हो गई मैं मतवारी के बल बल जाऊं अपने पिया को मुहे मैं जाऊं वारी वारी मोहे सुध बुध नाय रही तन मन की ये तो जाने दुनिया सारी बेबस और लाचार फिरूं मैं हारी मैं दिल हारी हारी मैं दिल हारी तेरे नाम से जी लूं तेरे नाम से मर जाऊं तेरे नाम से जी लूं तेरे नाम से मर जाऊं तेरी जा के सदके में कुछ ऐसा कर जाऊं। तूने क्या कर डाला मर गई मैं मिट गई मैं हो जी हाँ जी हो गई मैं तेरी दीवानी दीवानी तेरी दीवानी दीवानी। तूने क्या कर डाला मर गई मैं मिट गई मैं हो जी हाँ जी हो गई मैं तेरी दीवानी दीवानी। बहुत प्यारा क्यों निर्गुण का भजन है कि इश्क जुनू जब हद से बढ़ जाए इश्क जुनू जब हद से बढ़ जाए हंसते हंसते आशिक सूली चढ़ जाए इश्क का जादू सर चढ़ कर बोले हो इश्क का जादू सर चढ़ कर बोले खूब लगा लो पहरे रस्ते रब खोले यही इश्क दी मर्जी है यही रब दी मर्जी है यही इश्क दी मर्जी है यही रब दी मर्जी है तेरे बिन जीना कैसा हाँ खुद गर्जी है। तूने क्या कर डाला मर गई मैं मिट गई मैं हो जी हाँ जी हो गई मैं तेरी दीवानी दीवानी तेरी दीवानी दीवानी तेरी दीवानी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मतलब कि अब इस पर क्या ही ताली बजाना, हाथ में माइक है और क्या। अब आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नमन उपाध्याय और अंशुमान शुक्ला कौन है। और बाकी जो है जो प्रोग्राम इन लोगों ने एक शाम शहीदों के नाम को 13 अगस्त को जो जिसका फाइनल होना है इसको ये लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, यह प्रोग्राम असल में मौका है उन तमाम धुरंधरों का जो कि जिनको लगता है कि हमारे अंदर सिंगिंग का टैलेंट है, वो मौका है अपने टैलेंट को दिखाने का अपने टैलेंट को निखारने का। और ये सब कुछ होगा आपके गोरखपुर और उसके आसपास के जिलों में, बाकी ऑडिशन अलग। और कहना चाहूँगा एक बहुत ज़रूरी बात कहना चाहूँगा, कुछ लोग जब इस वीडियो को आप देखेंगे तो उनके मन में तमाम तरह के एक प्रश्न आएंगे, वह मुझे कॉल करेंगे आप जानकारी के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि ये बिल्कुल आप मत सोचिएगा कि इसमें जो गीतों का कोई पाबंदी रखी है, बिल्कुल एक पाबंदी रखी गई है। आपको अगर मन करे तो आप देशभक्ति गाने गाएंगे, वो देशभक्ति गाने आप भोजपुरी में भी गा सकते हैं। कहें कि हमन के पूर्वांचल के माटी से आवल जाला, तो पूर्वांचल के माटी में भोजपुरी के एक अलग ही मिठास बा। अगर आपके लगा था कि आप भोजपुरी में कंफर्ट रहो, आपके बड़ी सुविधा रही, तो आप जरूर गाए भोजपुरी से, अपना ऑडिशन दें, भजन प्रस्तुत करें, देशभक्ति गीत प्रस्तुत करें। बाकी बिना कोनो हिचकिचाहट के आपके जिला का डेट घोषित कर देवल जाए, आई बड़ी संख्या में भाग लें और हमन को भी अवसर दें कि गौरव कैल जाए।
भैया हुआ लगनवा सुन लिया जाए जो जब आप आए हैं तो सुनाए हैं। जो दूसरा वाला मतलब जब हम लोग गाना सुन रहे थे वो जो आपने शुरू में सुनाया था कोई फरियाद, हाँ कोई फरियाद वाला सुन लिया जाए। हाँ जी बिल्कुल। हर मुलाकात पे महसूस यही होता है, हर मुलाकात पे महसूस यही होता है, मुझसे कुछ तेरी नजर पूछ रही हो जैसे, क्या बात है, क्या बात है? कोई फरियाद मेरे दिल में उठी हो जैसे, तूने मुझे चाह कोई बात कही हो जैसे, कोई फरियाद मेरे दिल में उठी हो जैसे। क्या बात, मुझे कुछ लाइनें याद आ रही, मैं आपको समझता हूँ। इसी गाने से रिलेटेड है, बहुत प्यारा ये गाना है, और उसमें एक लाइन जोड़ा, तड़पना मेरा वो हंसना तेरा, तड़पना मेरा वो हंसना तेरा, नींद मेरी सपना तेरा, आँखों के सागर, आँखों के सागर ले डूबे मुझे, ले डूबे मुझे आँखों के सागर, ऐसे बिछड़ों के वो मुझ में, इनका गाना, कहीं रहता है जब अगर हद से गुजरता हूँ तो ये लगता है वो नजर छुप के मुझे देख रही हो जैसे, तूने आँखों से कोई बात कही हो जैसे, कोई फरियाद मेरे दिल में दबी हो जैसे, दबी हो जैसे। बहुत शुक्रिया। जिस क्राउड में ये सारा प्रोग्राम अभी हो रहा है, मतलब बस यही मन कर रहा है कि सुना जाए सुना जाए सुना जाए, पर समय का अभाव है। बाकी इन लोगों को और ज़्यादा सुनने के लिए इनके जो इनका जो प्रोग्राम आने वाला है 13 तारीख को एक शाम शहीदों के नाम, इनसाइड भारत टीवी उसका पूरा कवरेज करेगा, आप लोग जरूर जुड़िए। और बाकी जो है जितने भी लोग जिनको लगता है कि उनके अंदर सिंगिंग का टैलेंट है, वो लोग इस ऑडिशन देने के लिए अपने अपने ज़िले में डेट नोट कर लें, जो कि डेट आपको बता दिया गया उस तारीख को नोट कर लें, और जब भी आपके वहाँ ऑडिशन हो अगर आपको लगता है कि आप बेहतर कर सकते हैं तो आप ज़रूर आइए। बाकी जो है इस कार्यक्रम से जुड़ा जो भी अपडेट है हम आपको बताते रहेंगे। जय हिंद।